फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एंड आज मैं अपना ब्लॉग जो है आफ्टरनून यानी कि 2 o'clock से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं अगर आपको मेरा घर दिखाऊँ ना तो आप बोलोगे ओ माय गॉड, ये कैसा कैसा मैसी करके रखा है। बट जैसे कि कल के मेरे ब्लॉग में आपने देखा वुमेन डे, तो मैंने जो है कुछ भी काम नहीं किया था, खुद को पैम्पर किया था। उसके बाद हम मॉल चले गए थे और बाहर का एक कबोर्ड था मेरा, वो कबोर्ड डाइनिंग टेबल था तो उसे निकाला हस्बैंड जी ने, तो उसके जितने भी सामान थे वो सारे के सारे आप देख सकते हो। माय गॉड, यहाँ पे कुछ इस तरह से बिखरे पड़े हैं। सो इस तरह से कुछ, और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये मैं बता दूं, ये 1+1 जो है इस तरह से पलंग जो होते हैं खाट, यू नो, उसे 1+1 किया है। एंड बेड है ये एक्चुअली, तो आप देख सकते हो पूरी तरह से मेसी पड़ा है। सो इसे मुझे क्लीन करना है। और एक्चुअली घर मेरा बहुत छोटा है, मैं आपको होम टूर कराऊंगी तो स्टार्ट करते ही एंड हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग का अगर डिमांड आया तो मैं ज़रूर कराऊंगी। बट बहुत छोटा है तो इसमें बहुत मैनेज करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा सामान तो मेरा और पीहू का है। तो हमेशा पीहू के पापा कहते हैं ये इतने सामान क्यों रखा है, यू नो, ये फेंक दो, वो फेंक दो, साड़ी एंड ऑल। बट ये हस्बैंड लोगों को कौन समझाए कि हम लेडीज़ लोगों को, यू नो, हम पहने साल में एक बार, लेकिन हमारे पास रहना तो चाहिए। तो बोलते तुम पहनती नहीं हो, साड़ी नहीं पहनती हो, साल में एक बार पहनती हो, या तो ये क्यों रखा है, क्यों रखा है। बट कौन समझाए इन्हें कि यू नो कि जब ज़रूरत होगी तो हम पहनेंगे ना। यार समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊँ उनको। सो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और आपको मैंने दिखा दिया तो ये सारे वर्क मुझे अभी करने हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है। और कल जैसे कि वुमेंस डे में हम गए थे मॉल, और वहाँ से हमने कुछ किए शॉपिंग, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और एक टिप्स भी बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ, वो आपके साथ ना हो इसलिए आपको शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। सो पूरी वीडियो मेरी देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अंदर के सब काम जो है वो निपटा लिए हैं, कर लिया मैंने। एक्चुअली मुझे वो करने में 2 o'clock से 4 o'clock हो गए, कुछ 2 घंटे हो गए। और मैंने जैसे कहा था कि कल मैंने क्या परचेज़ किया था तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो जस्ट वही दिखा रही हूँ। और पीहू जो है अभी तक सोई नहीं, पीहू को बीच में मैं नैपिंग कर रही थी कि सो जाए, तो भी पीहू सोई नहीं। और मैं दिखाती हूँ आपको, तो बैठो, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या लिया। और यू नो, और मैं बहुत खुश थी कि, और मैंने घर आने के बाद तुरंत मैंने ट्राई करने की कोशिश की, बट धोखा हुआ मेरे साथ। तो ये मैंने लिया था, और ये देखिए आते ही ये पड़ गया, कागज़ का था। तो मोची में जो सेल लगा था कल वुमेंस डे के, यू नो, तो सेल लगा था, तो मैं वहाँ पे गई, जस्ट हस्बैंड लेके गए, तो हमारा तो मन भरता नहीं, चाहे हमारे पास कितने भी सैंडल हो। वैसे मेरे पास बहुत सारे सैंडल है, बहुत सारे, जैसे कम से कम मेरे पास होंगे 15 जोड़ी चप्पल, और मैं उसे भी शेयर करूँगी अगर कमेंट्स आया तो। सो 15 pair मेरे पास सैंडल है, लेकिन मैं पहनती हूँ 1 या 2 ही हूँ, पता नहीं क्यों। बट मुझे लेने का बहुत शौक है, पर्स एंड हर लेडीज़ को एक्चुअली बहुत शौक होगा। तो पर्स हो गया, सैंडल हो गया एंड क्लॉथ। सो ये जो चप्पल है मुझे बहुत बहुत पसंद आया, आप देखो यहाँ पे। और इसकी MRP थी 2290, और सेल में मुझे ये मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी हील्स बहुत बहुत बड़ी है, इतना हील्स तो मैं पहनती नहीं क्योंकि मेरी हाइट अच्छी खासी है, तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती हूँ। बट ये जो है मैंने परचेस किया, बट ये बहुत छोटा साइज़ दे दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि पीहू जस्ट रोने लग गए यार पीछे, तो फिर मैं जस्ट पीहू को देखने के लिए पीछे मुड़ी, तब तक एक लेडीज आई थी, उनकी भी साइज़, उन्होंने भी यही चूज़ किया था, और उनकी साइज़ यू नो ये था, और मेरा जो था अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है उनके पास चला गया होगा। तो ये छोटी साइज़ देखती हूँ, वापस कर दूँगी, अदरवाइज़ किसी को गिफ्ट दे दूंगी। सो मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं ज़रूर बताना। सो हस्बैंड तो नहीं ले रहे थे, बट मैंने बोला वुमेंस डे है तो लेना तो बनता है, तो
खुद ही गिफ्ट ले लिया। और मुझे एक चीज़ शेयर करनी है आप लोगों से, जैसे कि अगर डिस्काउंट कभी भी रहते हैं ना तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने और दो पेयर लिए थे तो उसमें क्या हुआ कि वन मोजड़ी था तो उन्होंने एक पेयर ही रखते हैं और एक पेयर आपको जस्ट बोलते हैं काउंटर पे जाके आप ले लो। तो एक मोजड़ी था मोजड़ी तो मैंने उसको लिया और फिर बाद में जस्ट काउंटर पे मैंने सोचा चलो चेक करती हूँ कि दूसरा कैसा है, बट दूसरा जो पेयर था वो डिफेक्टिव था, पेयर का जो डिफेक्टिव था तो इसे मुझे लगा, और एक नहीं मैंने दोनों के दोनों ऐसे ही थे तो मैंने उसे नहीं लिया, बट ये अच्छा लगा और ये अच्छा था तो इसलिए मैंने ये लिया। बट आप ज़रूर ध्यान रखना इस बात का, जब भी सेल या ऐसा कुछ हो तो आप घर आने के बाद फंस जाते हैं कि अरे मैंने ये क्या ले लिया, बट एक जो साइज़ था बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, बट दूसरे की जो थोड़ी सी साइज़ है ना 19-20 थी, बट चलते वक्त ऊपर नीचे हो रहा था तो फिर मैंने उसे रिजेक्ट किया, नहीं लिया। और वो पैकिंग करके पहले ही रख देते हैं, बट आप ज़रूर ट्राई करना काउंटर पे जाके कि मुझे चेक करना है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने एक्सपीरियंस किया और आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। और दूसरा मैंने लिया है पीहू के लिए, मतलब 50% डिस्काउंट था यहाँ पे E10 का, और ये मुझे बहुत बहुत क्यूट लगा, प्यारा सा है। और पीहू ने तो फटक से पहन लिया था, पीहू तो बहुत स्मार्ट हो गई अभी, मुझे बहुत क्यूट लगा। और ये है कुछ, इसकी प्राइस है 995 एंड ये मुझे मिला है 500 रुपीज़ में और बहुत क्यूट है, यू कैन सी, सो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये। एंड दूसरा मैंने लिया है अनन्या के लिए, अनन्या को भी मैंने वुमेंस वेयर गिफ्ट दिया है, तो अनन्या के लिए मैंने लिया यहाँ पे ये मोची ब्रांड से, मुझे ये भी बहुत क्यूट लगा और अनन्या के साइज़ का एक्चुअली कुछ मिल भी नहीं रहा था तो ये भी बहुत मुझे क्यूट लगा। और ये मुझे मिला है, इसकी MRP कुछ है, ये भी 250 रुपीज़ में मिला है, और जो मैंने फर्स्ट वाला दिखाया ना मुझे वो 350 में मिला है। आई कांट बिलीव कि ये मुझे 350 रुपीज़ में मिला, इसलिए मैंने जल्दी से परचेस कर लिया। और घर आते ही मैंने जस्ट वेयर करने को सोचा, मैंने वाला फटाक से पहनती हूँ, बट मेरा मूड पूरी तरह से यू नो ऑफ हो गया कि अरे यार ये क्या साइज़ दे दिया। एंड ये 250 का मिला है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अनन्या को बहुत सारे ट्राई किए बट यू नो मिल नहीं रहा था, तो लकली ये मिल गया। सो और हमने क्या लिया है, और लिया है पीहू का, हर बार ये हगीज़ मोमी पोपो, और मैं इसके पहले बहुत सारे ब्रांड का यूज़ की हूँ, हिमालया का, मोमी पोपो मुझे अच्छा लगता है, रीजनेबल भी है, अच्छा भी है। पैम्पर का यूज़ किया था इसके पहले, बट थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, एंड पैम्पर इज़ ऑल्सो बेस्ट प्रोडक्ट। तो और मैंने लिया है खुद के लिए मेरे टॉप, जो कि मैं जस्ट वेयर किया है, और अब मैं थोड़ी फैंसी लेना स्टार्ट कर दी, क्योंकि पहले जो था वो स्कूल जाती थी तो स्कूल के अकॉर्डिंग मैं कपड़े लेती थी, यू नो ड्रेस लेती थी, सलवार समीज लेती थी, दुपट्टा, बट अब मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कुछ फैंसी, तो इस तरह से मैंने कुछ लिया है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इस तरह से देख सकते हो आप, पिंक एंड वाइट है, और ये सब फ्रिल दिया है यहाँ साइड से, तो ये अनन्या को इतना पसंद आया, अनन्या बोली मौसी ले लो ले लो ले लो, मैं नहीं लेने वाली थी बट मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ। एंड ये ब्रांड है जूडियो का, जैसे जूडियो ब्रांड बहुत रिजनेबल रखते हैं यहाँ पे जूडियो ब्रांड, तो ये मुझे मिला है कुछ 499 रुपीज़ में, तो ये भी मैंने खुद के लिए गिफ्ट लिया है वुमेंस डे के लिए। एंड दूसरा मैंने टॉप लिया है, ओ माई गॉड इट लुक्स सो नाइस, तो मैं बाकी में क्लिप चला दूँगी, मैंने पहन के भी देखा एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक्चुअली ड्रेस नहीं है कुछ नहीं, मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, क्रॉप टॉप है आगे से ऐसे यू नो एंड देन पीछे से ऐसे लॉन्ग टाइप में है, और ये कलर मुझे बहुत पसंद है। और मेरे पास एक वक्त था जो कि ये कलर के मेरे पास बहुत सारे ड्रेस होते थे, और इसके हैंड देखो इतने यू नो अम्ब्रेला इस तरह से है, और यहाँ पे आपको नॉड दिया है, नॉड ऐसे बांधने के लिए, सो ये नॉड इस तरह से बांधना है आपको, और इतना लॉन्ग है तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये भी जूडियो ब्रांड का ही है फ्रेंड्स, और इसकी MRP की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे मिला है कुछ 599 रुपीज़ में, सो मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा। और बाकी के मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे ही जस्ट हम गए थे बट यू नो ऐसे जाते हैं बट शॉपिंग करके चले आते हैं, और हस्बैंड जो है वो तो भर भर के उनकी तो बिस्किट एंड ऑल वो सभी रहते हैं। और मैंने एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, मैंने ये लिया है,
मुझे क्या कहेंगे मैट, यू नो हम जैसे कि घर हमारा जैसे कि बहुत ही छोटा है, तो मेरे लिए तो हस्बैंड ने गद्दा बना दिया है और मैं ऊपर सोती नहीं, जैसे पीहू गिर गई थी एक बार तब से मैं सोती नहीं जल्दी, मैं मोस्टली नीचे सोती हूँ। तो और ये जो है हस्बैंड के लिए लिया है और ये मैंने हस्बैंड जी को गिफ्ट दिया है वुमेंस डे में, सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे ऐसे यू नो होता है और ये आराम से खुल जाता है और एक जो है आराम से एक इंसान यहाँ पे बैठ सकते हैं, कुछ ऐसे गादे टाइप में है जी, बहुत बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है। तो ये कुछ मिला है अराउंड 1499 मीन्स तो 1500 का है ये, बट बहुत अच्छा और मैं इस पर सो के भी देखी, बहुत बहुत अच्छा है। और ये हम ट्रैवलिंग पे ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं, बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हो, अगर आपको कुछ इस तरह से यू नो ट्रैवलिंग करना है तो आप लेके जा सकते हो। और इस तरह से देखो मैट, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको चटाई टाइप में दिया और इसमें गद्दा जो है उसमें फिट किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। सो और बहुत सारा शॉपिंग है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। अब आप कैसे हमारे फैमिली की तरह हो गए, तो जो हम करते हैं आप लोगों को शेयर करते हैं, और पहले मुझे बहुत थोड़ा ऑड लगता था बट आप लोग अब फैमिली की तरह हो गए तो आप ऐसा लगता है कि चलो हाँ दिखाना तो बनता है। तो ये दिखाती हूँ, हस्बैंड तो हमेशा हमेशा यार चॉकलेट एंड ऑल लेते हैं, मैं बहुत बहुत ये कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम जो है यू नो ये सब बेकरी प्रोडक्ट यूज़ करूँ, जो ये मैदा हो गए एंड ऑल ये सब, बट ये सब होना भी चाहिए घर में, जैसे आप छोटे बच्चे हैं या बाहर से कोई आ गया तो सब देने के लिए, सो ये सब है मुझे एक्चुअली। सो ये सब है बिस्किट एंड पेपर बॉट, ये मैंने लिया है, मेरा फेवरेट है। एंड लिया है ये कुकीज़ बहुत सारे एंड एस्पेन का मसाला, ये मेरा कोई मंथली ये नहीं है और मैं यहाँ पे अपने पास के ही डी मार्ट से राशन लेती हूँ, अदरवाइज पास में मेरे नीचे शॉप है वो बनिया अंकल से मैं ले लेती हूँ मंथली। और मैंने लिया है जूडियो का चप्पल, बहुत सारी चीज़ें एंड बिस्किट एंड देन अगेन दिस पैकेट एंड द टोस्ट एंड पीहू का ड्रेस है, अनन्या उसमें निकालो, पीहू का ड्रेस दिखा दूँ मैं। और ये लिया है कुरकुरे, देखो पीहू मेरी आ गई है उसमें नहीं बेटा उसमें साइड में, और पीहू का बहुत सुंदर मैंने ड्रेस लिया है, पीहू को साड़ी पसंद आती है और ये लिया है, देखो पीहू मेरी आ गई, पीहू मेरा आ गया सोना। अब ये सब पैकेजिंग रखना है इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, और हस्बैंड ज़रूर कहेंगे ये क्या बना दिया तुमने ब्लॉग, ये क्या बनाया तुमने। और पीहू का देखो, पीहू को दिखा दो, पीहू का देखो, पीहू को भी फ्रॉक लिया, इतना सुंदर है, देखो इतना सुंदर सा है ना, क्यूट है ना बाबू, देखो कितना क्यूट है पीहू का, पीहू को फ्रॉक पसंद है इसलिए पीहू को इस फ्रॉक लिया। एंड ये भी ना 699 में मिला है, बहुत रिजनेबल है, अच्छा है, इसी कपड़े जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा है। और एक ये मैंने लिया क्योंकि पापा को पसंद नहीं था बट मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, यू नो ये नेट है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, बट आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, लेकिन पीहू के पापा को ये इतना अच्छा नहीं लगा। बाय द वे उनका फेवरेट कलर येलो है लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा पता नहीं क्यों लगा, बट मुझे तो बहुत क्यूट लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना फ्रेंड्स। और कुछ चेंज किया है, देन अगेन पेपर बोर्ड एंड देन चॉकलेट एंड देन यू नो बिस्किट एंड ऑल, बहुत सारे सिर्फ बिस्किट ही बिस्किट दिखेंगे, आपको दिखाऊंगी तो आप बोलेगा ओह माय गॉड। सिर्फ हमारे घर में पहले ऐसा था जहाँ पे आपको लगेगा कि यो क्या बोल रही है, बट ट्रस्ट मी जब सिर्फ राशन हम लेने जाते थे ना तो हस्बैंड जी सिर्फ 5000-6000 के बिस्किट ही लाते थे, बट अब बहुत कम कर दिया उनको बोल बोल के क्योंकि ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़े से कम कर दिया। और बट ऐसा भी होता था कि आता था तो मैं भी खाती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती थी, मैं भी भर भर के खाती थी और मैं भी बहुत फूडी हूँ, बट अगर घर में आए ही ना तो हम कैसे खाएंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स,
अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। अनन्या सबको हाय कर दो। सो ये है अनन्या। अभी अनन्या जाएगी ट्यूशन, है ना? सो अनन्या का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। अनन्या जाएगी ट्यूशन और बहुत ही जल्दी एग्जाम आ रहा है। पीयू देखो बॉक्स में बैठ गई, नहीं खुलता है। सो पूरा घर मैस हो जाता है यार। मैं क्या करती हूँ, काम करती हूँ, यहाँ पे साफ करती हूँ, फिर पीयू वापस से गंदा कर देती है। फिर अंदर जाती हूँ, पूछो अनन्या, अनन्या है ना, मौसा को लगता है मैं झूठ बोलती, मैं काम नहीं करती हूँ। हर हस्बैंड को ऐसे ही लगता है कि उनकी वाइफ है ना काम नहीं करती, घर में खाली बस वेस्ट बैठे रहते हैं। आप लोगों को भी लगता है ना, इसीलिए मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर दी कि बाद में आप देखो कि हम औरतें भी कुछ करते हैं यार, हम भी काम करते हैं, हम भी बहुत सारे घर में बहुत काम होते हैं यार। और एक वक्त ऐसा था कि मैं बाहर जाती थी, घर का दोनों मैनेज हो जाता था। अब घर में ही हूँ ना तो घर का काम भी नहीं होता, मतलब नहीं होता यार सच में। और बच्चों को कुछ ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है अगर छोटे बच्चे हैं तो। और अभी तो मेरे पास दो दो बच्चे हैं, अनन्या एंड चुगु एंड पीहू। चुगु है जो नानी के यहाँ रहती है, समटाइम्स आती है। खोल दो, लेकिन बाबू ये वाला खाओ ना, चुना ये वाला ले लो अब पीहू। और चलो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग दैट आई एम शेयरिंग टू यू ऑल ऑफ यू एंड बट आई एम सो हैप्पी कि आप मुझे भी इतना ही प्यार दे रहे हो और आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो और आप भी मेरी फैमिली हो गए हो। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस ऑल द थिंग्स। सो लव यू ऑल, टेक केयर। एंड बहुत सारे बच्चे भी हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो आई लव यू ऑल ऑफ देम, दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई लव यू माई चिल्ड्रेन। सो कीप सपोर्टिंग टू मी ऑल्सो, नाउ योर टर्न, एंड बी हैप्पी, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वॉट एवर योर मोटो इज देयर, यू हैव टू जस्ट अचीव योर मोटो। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ये है एमसी वाइट्स का यू नो फेस्टिव असॉर्टेड बटर। ये देखो पीयू को, पीयू पीयू खा के दिखाओ कैसा है। यम्मी, ओह माय गॉड, पीयू जो है पूरा लेके बैठ गया अभी तो। पीयू एक में ट्राई करूं, एक दीदी को दे दो, एक मेरे को, मेरे को ये चाहिए। यम्मी, गंदी बात, ओनली वन यू टू टेक। पीहू मत 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 मत। सो ये सब तो मैंने एरिया पूरा क्लीन कर दिया, बट अभी भी ये सब काम पूरे पड़े हुए हैं। एक्चुअली बहुत मैनेज करना पड़ता है और ये बर्तन एंड ऑल सब रखने मुझे, देखिए किस तरह से है। देख सकते हो आप, मैंने ये एरिया तो मैंने क्लीन कर लिया है और इस एरिया को ही क्लीन करने के लिए 2 आवर्स लग गए यार। और एक्चुअली बहुत सारे कपड़े एंड ऑल बिखरे थे तो सब रखते रखते समेटते पूरे टाइम निकल गए। और उसमें पीहू को देखना, पीहू को मैनेज करना, फिर दूध पिलाना, फिर यू नो थोड़ा सा नैपिंग करना, एंड पीहू तो फिर तो भी सो नहीं रही है। एंड अभी जस्ट बहुत सारे अभी भी काम बाकी किचन एरिया के, तो ये बर्तन मुझे लगाने हैं, थोड़े बर्तन हैं वो मुझे मांजने हैं, एंड मिक्सी थोड़ा क्लीन करना है, एंड ये जो दूध रखा है 1 लीटर दूध मेरा आज जो है यू नो मैंने इसका आज क्या है पनीर बनाऊंगी और इस थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और सोचा आज घर पे ही पनीर की भाजी बनाऊं इस तरह से तो अच्छा लगता है। ये पनीर को अगर ये भैंस का दूध है एक्चुअली तो इसका अगर हम पनीर बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आज ये भाजी बनाऊँगी और इसे ढक देती हूँ मैं। सो और बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है और बहुत बहुत भूख लगी है तो बनाने का भी आज मूड नहीं कर रहा है। तो मैं मंगाऊंगी आज डोसा एंड वड़ा पाव। आज खा लेती हूँ वड़ा पाव, बहुत दिन हो गए यू नो खाया नहीं। तो चलिए देखिए घर भी पूरी मैस पड़ी है तो ये सारे के सारे क्लीन करने हैं और आज ही मैं इसे करूँगी। अगर मैंने कुछ बनाने गई तो उसमें टाइम चले जाएंगे। पीहू रो रही है, पीहू को नींद आ रही है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अन्ना ने क्या किया, जेली ले लिया। देखो कितने सारे कपड़े, देखो पूरे हम लोग काम कर रहे कब से। ये देखो
यहाँ पे सारे सॉक्स जो है अनन्या इकट्ठा कर रही है, अनन्या लगा रही है। अनन्या क्लास से आ गई, जेल ही चाहिए, ओके देता है। हाँ मेरी अनन्या कितनी अच्छी है, टाट ना दे, ठीक है पापा को मैं बोलता है पापा टाट ना लेते आओ प्यू को, ओके ठीक है। मैं बोलेगा पापा प्लीज़ प्यू को टाट ना लेके आओ ना, ओके चलो हम लोग फटाफट काम कर लेते हैं। आज बहुत बहुत काम किया जी का, और इसे मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया इस तरह से, ये प्रेस वाले को दिया था तो इस तरह से, और यहाँ पे मैंने बनियान एंड ऑल, यहाँ पे जो है हैंकर चीफ अभी भी अच्छे से मैनेज नहीं हुआ एक्चुअली, तो यहाँ पे बैंड, यहाँ पे धोने वाले कपड़े, दंटावेल, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। सो नीचे मैं रखती हूँ सॉक्स एंड यहाँ पे जो है यू नो साबुन एंड और ये सब हम रखते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है बाथरूम में, इसलिए यहाँ पे रख देती हूँ। हमारा आज इवनिंग का नाश्ता, और आज मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बहुत सारा काम किया, देख सकते हो पीछे सारे के सारे ये सब रखने हैं मुझे। और आप सोच रहे होंगे कि यू नो काम करते वक्त मैं सूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा जो एरिया है काम करते हो वो किस साइड में रखूँ, कैमरा कहाँ रखूँ समझ में ही नहीं आता, और ट्राइपॉड भी मेरा वर्क नहीं करता, और मैंने एक बार लगाया था बट मोबाइल ही मेरा पानी में गिरते गिरते बच गया, सो मैंने फिर नहीं लगाया। बट आपको फ़ोटो ज़रूर दिखाया है मैंने कि पहले कैसा था और बाद में कैसा था, तो आप लोग बोलोगे कि काम नहीं किया और दिखा बता रही हूँ। तो अब बहुत ज़ोर से भूख लगी तो हम खाने जा रहे हैं वड़ा पाव, आज बहुत दिन से मन भी कर रहा था यार, कभी कभी खा लेना भी चाहिए, तो बहुत दिन के बाद एक्चुअली मैं खा रही हूँ। और डोसा पीहू के लिए मंगाया बट पीहू अभी सो गई है, और अब बज गए हैं अराउंड 6:30। सो चलिए, और आज का डिनर ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिंपली बनाऊँगी बट आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, और मेरे पूरे 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 ब्लॉग देखना, एंड थैंक यू सो मच दोज़ हू आर वॉचिंग माई वीडियो। सो चलिए मिलते हैं। Watching it end again and again, I feel it in waves, you follow me, drifting to places. So friends, अब मैं आ गई हूँ किचन एरिया में, एंड अब मैं किचन क्लीन करूँगी, और आज फुल डे मैंने सिर्फ साफ़ सफाई की है, एंड अच्छी तरह से ये जो है अच्छी तरह से मैं किचन एरिया को, ये जो मेरा बर्नर है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। तो मैं सुबह सुबह एक बार करती हूँ, रात को करती हूँ, और बस फिर जब खाना बनाने से पहले एक बार इसे अच्छी तरह से वाइप कर देती हूँ। सो इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, उसके बाद मैं बनाऊँगी आज अपना डिनर। तो डिनर में आज बनाने वाली हूँ मैं पनीर, जैसे कि आपने देखा पनीर जो है मैंने 1 किलो भैंस का दूध था तो उसे अच्छी तरह से मैंने फाड़ लिया है नींबू डाल के थोड़ा सा, और फिर अब मैं बनाऊंगी पनीर की भाजी एंड रोटी, और थोड़े से बनाऊंगी दाल। सो थैंक यू सो मच दोज आर वॉचिंग माई वीडियो, सो कीप सपोर्टिंग मी, एंड देखिए मैं मेरा रूटीन। सो आज मैंने फुल डे ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए। मेरे पास पालक था तो मैं पालक को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, और मैं बनाऊँगी आज पालक की रोटी, और एक्चुअली पालक पनीर बना सकती थी बट जो है आज मैंने सोचा थोड़ा ट्विस्ट करती हूँ, तो मैं पनीर की भाजी एंड पालक की रोटी बनाऊँगी जो कि पीहू भी खा सकती है इसे ईज़िली, और मैं इसे अच्छी तरह से इसे तोड़ के अच्छी तरह से इसे गर्म कर दूँगी, ज़्यादा नहीं करना है आपको, सिर्फ 2 या 3 मिनट इसे अच्छी तरह से पानी में गर्म कर देना है, एंड आपको जस्ट मिक्सी में पीस के उसके बाद उसे रोटी में आपको आटे में उसको अच्छी तरह से गूंद लेना है, जैसे कि मैं बनाती हूँ मल्टीग्रेन रोटी
रोटी हमेशा मैं मल्टीग्रेन रोटी बनाती हूँ, तो मल्टीग्रेन में मैं लेती हूँ नाचनी एंड गेहूँ, बाजरा एंड ज्वारी, ये चार चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ। सो इस तरह से मेरा होता है डिनर। सो ये पालक को मैंने गरम करने के लग दिया, पानी ले लिया और थोड़ा सा पानी में पालक को हम ब्लांच कर देंगे और उसे 2-3 मिनट रख देंगे। और यहाँ पे मेरा पनीर जो है रेडी है, और मैं यहाँ पे टमाटर काटते काटते मेरा हाथ भी कट गया, ओह माय गॉड, किचन में आते ही तो यू नो, और एक्चुअली ये नया नाइफ़ है तो यू नो, तो मुझे जजमेंट नहीं मिला इसीलिए। सो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए, और टमाटर मुझे हर भाजी में पसंद है, मैं हर भाजी में कोशिश करती हूँ कि टमाटर डालूँ, आई लव टोमेटो। एंड फिर पनीर, जैसे कि हम पनीर बनाते हैं, पनीर का मैं जस्ट भुर्जी बनाने वाले थे, उसमें कांदा और टमाटर का जो रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत ईजी तरीके से बनाऊँगी, सिंपल, बस कांदा एंड टमाटर एंड चिली और थोड़े से मसाले डाल के, दैट्स इट। फिर मेरे पनीर की भाजी बहुत यमी लगी, अगर आपको रेसिपी देखना तो मैंने शेयर की, आप ज़रूर इस तरह से बनाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो साइमल्टेनियसली मैं जो है सुबह की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने इडली बैटर जो है चावल एंड उड़द दाल, थोड़ा सा मेथी दाना भिगा के रखा था इडली के लिए, तो उसे भी मैं ब्लाइंड कर रही हूँ, तो एक साथ मेरे दो दो काम हो रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्सी में मैं निकाल लूँगी, तो ये मेरा सुबह का जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी मैं रेडी कर लूँगी। सो इस तरह से बहुत सारे टास्क हमारे बढ़ जाते हैं किचन में, हमें एक यू नो, हमें रात को जब खाना बनाते तो सुबह की तैयारी करके रखनी पड़ती है, सब थिंकिंग हमारे यू नो रात से ही चालू हो जाती है हमारे माइंड में कि सुबह क्या करना है एंड ऑल। सो मेरा यहाँ पे जस्ट हो गया इडली बैटर तैयार, अब मैं यहाँ पे पालक प्यूरी भी अच्छे से कर लूँगी। तो ये बहुत गर्म है तो इसे थोड़ा कूल टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद मैं इसे मिक्सी चला दूँगी। Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me. Drift into places I should leave. So close to the edge of something so perfect. तो अब पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए ऑयल, और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ मोस्टली। और यहाँ पे ऑयल लेने के बाद मैं उसमें मेथी तड़का डाल दूँगी और थोड़े से हींग डाल के एंड कांदा एंड देन टोमेटो अच्छी तरह से स्टर करके फिर पनीर डाल के मैं मसाला डाल के ढक दूँगी और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो यहाँ पे मेरे पास जीरा नहीं था तो इसलिए मैंने जीरा ऐड नहीं किया। और ये मैंने लिया है, ये गार्लिक है, तो ये लहसुन है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको चटनी बना के खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और आपको एसिडिटी है अगर, तो अगर आप इसकी चटनी खाते हो ना लहसुन की, तो बहुत ही जल्दी बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो ये मम्मा के घर में हमेशा रहता है तो मैंने वहाँ से लाई हूँ और बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसे भी मैं ऐड कर दूँगी और थोड़े से धनिया भी ऐड कर दूँगी। सो मेरा जो पनीर की भाजी है वो यमी बन के तैयार हो जाएगी। और ट्रस्ट मी, अगर मैं ये लहसुन की जो ये पत्ती वाली लहसुन है अगर वो डालूँगी तो और भी भाजी का टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है। Lost to your war, shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. Gotta get up, gotta get up, gotta get up.
listen to my